हेलो दोस्तों, ये हमारा सीलिंग फैन है जो चल नहीं रहा था इसमें करंट देने पे। देखिए, हम इसको अभी हम रिपेयरिंग करेंगे। केवल पंखा में घुमाए घाए का आवाज आ रहा है, जैसे इसमें करंट देंगे लेकिन ये नचेगा नहीं, चलेगा नहीं। देखिए, हम स्विच बोर्ड लगा लिए हैं। देखिए, इस पे करंट देंगे। देखिए देखिए, इसमें करंट जा रहा है लेकिन पंखा चल नहीं रहा है। इसको अभी हम पंखा को ओपन करेंगे, खोलेंगे इसको, यहां से इसको खोल लेंगे। इसको हम फटाफट खोल लेते हैं। अरे हल्ला मत करने तो फिर मरा ही लगता है। आवाज डाले, बड़ा भार पर लगा दे। देखिए, हम पहले कंडेंसर को चेक करते हैं, कंडेंसर खराब है क्या। देखिए, हमारा कंडेंसर भी ओके है जो कि स्पार्क कर रहा है। अभी हम स्विच बोर्ड से इसका कनेक्शन चेक करेंगे, किस में लाइन जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है। देखिए, हम स्विच बोर्ड में लगा लिए हैं प्लग को और दोनों तार से स्विच बोर्ड से चेक करेंगे कौन सा कनेक्शन में लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पहले बॉडी करंट, बॉडी करंट नहीं आ रहा है। देखिए, हमारा रेड से और ब्लू में, रेड ब्लू में करंट जा रहा है और हमारा ब्लैक में नहीं जा रहा है, यानी कि हमारा अंदर से कनेक्शन शॉर्ट हो सकता है, कहीं से लीकेज है कॉइल में। इसको अभी हम मोटर को ओपन करेंगे, खोलेंगे, देखते हैं खोलने के बाद अंदर क्या होता है। हमारा इसका कंडेंसर भी ठीक है, कंडेंसर ठीक है। अभी पंखा को खोल कर देखते हैं, फटाफट तीनों नट को खोल लीजिए। तार को ऊपर कर लीजिए क्योंकि फटे न तार कनेक्शन आपका। देखिए, हमारा कॉइल भी लगता है ठीक है, जला नहीं है। देखिए, कॉइल जला नहीं है, कहीं से शॉर्ट हो सकता है। अब कहाँ से शॉर्ट है इसको चेक करेंगे। हमारा कॉमन तार देखिए यहाँ से चेक कर लीजिए, कॉमन तार हमारा रेड है, रेड तार कॉमन है, कॉमन पे लगा कर चेक करेंगे। यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, ये हमारा कॉमन तार है। हमारा जो ब्लैक वाला तार है इसमें करंट नहीं आ रहा है। ब्लैक वाला तार देख लीजिए किस में लगा हुआ है। देखिए, हमारा ब्लैक तार में कनेक्शन नहीं आ रहा था। अभी हम ब्लैक तार को चेक करेंगे कहाँ पे है। देखिए, हमारा ये ब्लैक तार है, ये वाला, ये हमारा ब्लैक तार है। देखिए, यही इस कॉइल को हम छील लेते हैं, इंसुलेशन हटाकर चेक करेंगे डायरेक्ट ब्लैक तार पर सटाकर कि यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, हमारा करंट नहीं आ रहा है यहाँ पे इस कॉइल पर। देखिए, हमारा करंट नहीं आ रहा है, रेड तार में सटाने पर करंट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हमारा इस ये कॉइल इस सीरीज होकर हमारा करंट आ रहा है, उधर से रिवर्स आ रहा है। ये हमारा जो तार इसमें से कनेक्शन निकल कर गया है वही हमारा तार ख़राब है। इसको अभी हम सही करेंगे, सही कर कर देखते हैं कैसे करते हैं सही। आप देखिए वीडियो में ध्यान से। देखिए, हम कनेक्शन को यहीं से निकालेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इसको। देखिए, हम अभी कॉइल को हम बॉडी से निकाल लेंगे ठोक ठोक कर, आहिस्ते आहिस्ते से। देखिए, धीरे धीरे ठोक कर आप निकाल लीजिएगा बॉडी से। निकालने के बाद
देखिए हमारा बॉडी से निकल चुका है, इस प्रकार निकाल लीजिए। ब्लैक वाला तार को यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको माचिस से जला लेंगे दोनों तार को। देखिए ये वाला तार और ये वाला तार जो कटे थे अभी, इसको माचिस से जलाकर इंसुलेशन हटा लेंगे। देखिए हमारा जल गया है। इसको साफ कर लेते हैं ऊपर का जो जला हुआ था। सीरीज बोर्ड में फिर करंट लगा लिया है, लगाकर चेक करेंगे। ब्लैक तार को सीधा यहाँ से देखिए हमारा करंट आ रहा है, लेकिन ये हमारा क्वाइल में नहीं जा रहा है करंट, मतलब यहाँ से शॉर्ट है। देखिए हमारा यहाँ पे क्वाइल शॉर्ट है, देखिए यहाँ से जल चुका है। इसको यहाँ पे छील कर चेक करेंगे कहाँ पे यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा रेड तार कॉमन था, रेड तार पे लगाकर जहाँ पे अभी छिले थे वहाँ पे इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ तक हमारा करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ तक हमारा करंट आ रहा है, यहाँ से इसको कनेक्शन को निकाल लेंगे। बॉडी करंट भी नहीं आ रहा है, सही है। इस कॉइल को रिपीट कर देंगे, बस हो जाएगा आपका। मंत्री भी अगर तो स्क्वायर फीट पे चल रहा, पॉइंट पे चल रहा। इसको हम यहाँ पे चेक किए थे, यहाँ पे करंट अगर आ रहा था इसको साफ कर लेते हैं ऊपर का इंसुलेशन। इस पे पेट लगाकर सोल्डर कर देंगे, इस तार को इस पे कर देंगे, हमारा हो जाएगा। देखिए सोल्डर लिक्विड वाला पेस्ट है, इस पे अच्छा से लगा लेंगे। इस पे हम सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए सोल्डरिंग करने के बाद इसमें से तार लीजिए, इतना छोटा सा काट लीजिए, इतना छोटा सा। इसको इधर से छील कर इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें भी पेस्ट लगाकर सोल्डर कर देते हैं, जो कि हमारे ज्वाइंट मजबूत हो जाएगा, स्पार्क नहीं करेगा। इसको भी देखिए हम सोल्डरिंग कर चुके हैं। इसमें हम स्लिप डाल देंगे, इतना छोटा सा स्लिप लीजिए, कट कर लीजिए, इसमें डाल देते हैं। देखिए हमारा हो गया, ज्यादा बड़ा रख रखिएगा। इसको यहाँ से तार काट लेते हैं, इसको भी छील कर। इसको भी हम पेस्ट लगा लेते हैं, पेस्ट लगाकर इसको सोल्डरिंग कर देते हैं।
इस पे ही दोनों तार को रख कर सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए हमारा सोल्डर हो चुका है, जो ये तार था इसको कट कर लेंगे। देखिए हमारा स्विच बल्ब अब सभी में ग्लो करेगा, ब्लैक में भी ग्लो कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसमें ग्लो करने लगा और इसमें भी बॉडी करंट भी नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम एमसील को एमसील मिलाकर इस पे ज्वाइंट पे लगा देंगे। ये एमसील है जो कि दोनों को मिश्रण करके इस पे लगा देंगे, क्योंकि हमारा मजबूती बना रहे पकड़ ले। इस पे अभी हम लगा कर दिखाते हैं, क्योंकि शोल्डर अभी के लिए मोटर गर्म होता है तो अपने आप छोड़ देता है शोल्डर, इसीलिए लगा ले। देखिए हम लगा दिए हैं इस पे, कितना अच्छा सा हो गया है, हमारा फिनिशिंग भी वैसा ही का वैसा ही। देखिए इधर से भी इसमें सब ग्रीसिंग कर देंगे बैरिंग में, बस हो जाएगा। इसको फिटिंग करके अभी दिखाते हैं, इसको हम अभी फटाफट फिटिंग कर लेते हैं, फिटिंग करके चेक करते हैं। देखियो इसको हम टाइट कस लेते हैं अच्छा से। देखिए हम सभी पंखा को फिटिंग कर चुके हैं, सब चीज कस चुके हैं। देखिए हमारा फिटिंग हो गया, अब हम इसका कनेक्शन भी करेंगे, कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा कैपेसिटर है जो कि हमारा रेड कॉमन था, ब्लैक और ब्लू में हमारा कैपेसिटर जुड़ेगा। कॉमन पे हमारा स्विच बोर्ड स्विच तार लगा लिए हैं और ब्लैक पे देखिए हमारा मोटर चलने लगा, पंखा चल रहा है। देखिए देखिए हमारा पंखा चलने लगा सीधा हमारा, अगर इस पे करेंगे ब्लू पे जोड़ देंगे तो उल्टा चलेगा, देखिए इधर का चलेगा, इसलिए हमारा ब्लैक ही सही है। देखिए सीधा ब्लैक है, ब्लैक तार हमारा सीधा है। देखिए हम कनेक्शन कर दिए, रेड तार ऊपर ब्लू तार बीच में और ब्लैक तार नीचे, क्योंकि रेड और ब्लैक में ये हमारा न्यूट्रल फेस दिया जाएगा तभी जाके सीधा चलेगा। अभी इसको हम टेस्टिंग करेंगे चल रहा है कि नहीं ऊपर से। देखिए इसको अभी हम करंट देंगे, उस समय यहाँ पे करंट दे रहा था तो नहीं चल रहा था, अभी हम करंट देंगे देखते हैं चलता है कि नहीं। देखिए स्विच बोर्ड ले लिए हैं, देखिए हमारा फैन चलने लगा। अगर इस प्रकार से आप भी घर पे पंखा बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कहीं भी वीडियो आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, हम उसका वीडियो बना देंगे, तो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। जोड़ लेते हैं न्यूट्रल फेस। यहाँ से इसको पकड़ लेंगे, देखिए अभी हम स्विच बोर्ड नहीं चलाएंगे। देखिए हमारा फैन चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेन में भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।